from Sri Lanka. It's a very, very, very fantastic experience because we never had this kind of experience. We have seen this experience very fantastic. I had this experience at the Khufu. Today, I think this is Manali and very fantastic experience I have. In our childhood, we have seen these things in the film, but really I could... I'm Nilayani Disilva. I'm from Sri Lanka and my very first snow experience in India. This is very fantastic moment. I think, due to extreme weather, we can't go upper part. We stop our bus here and just came here for this experience. This is like a heaven because we don't have snow in Sri Lanka. This is very, very, very... हाँ जी, मैं हम मनाली आए हैं बस लाइक फैमिली के साथ एंजॉय करने. काफी अच्छा व्यू है और बहुत बढ़िया लग रहा है इधर आके रुक के. और कनाडा से आए हैं, क्या इतनी अच्छी स्नो तो उधर भी नहीं पड़ती, क्योंकि इधर जो फैमिली के साथ फन कर सकता है वो तो उधर नहीं कर सकते ना. और बाकी आसपास में जो लाइक द व्यू है वो काफी ज्यादा अच्छा है. इधर आप सर्दियों में आ जाओ, गर्मियों में आ जाओ, गर्मियों में पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग सब कुछ होगा. और सर्दियों में ऐसा लाइक यू नो द ब्यूटी इज वेरी डिफरेंट कि आपको जो इधर मिलेगा हिमालय का सारा कुछ वो आपको और किधर नहीं मिल सकता. तो मैं तो कहता हूँ कि सबको कहूँगा कि एक बार इधर मनाली जरूर आए, किसी भी चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको हर वेदर में आएंगे, हर वेदर में कुछ ना कुछ करने को मिलेगा. और अभी देख ही सकते हो इधर अभी कितना अच्छा है, जैसे कि मौसम है. पीपल एंजॉयिंग सो वेल, तो हमें भी ऐसा देख के बहुत अच्छा लग रहा है. लोकल्स हमारे काफी खुश है क्योंकि बर्फ के लिए तो आपको पता स्नो चाहिए होती है, तो हमें भी इसका बेनिफिट है. मतलब लुक एट द व्यू, इतना सुंदर नजारा आपको कहाँ मिलेगा. मतलब ये फॉरेन कंट्री से भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत दिख रहा है. जैसे हम अपनी नजरों से अगर हम देखें तो खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं कैसी दिख रही है. एंड द वेदर इज टू गुड. तो देखिए सर, ये तो बर्फ तो काफी जरूरी है क्योंकि हमारे किसान भाई हैं वो काफी लंबे समय से इस बर्फ का यू नो वेट कर रहे थे. तो बर्फ के आने से हमें भी बहुत खुशी है और उनको सबसे ज्यादा खुशी क्योंकि बर्फ की खेती के लिए और बाकी फ्रूट जैसे आड़ू हो गए, पलम हो गए, उनके लिए ये बहुत जरूरी है. तो हमें भी देखिए ये बहुत खुशी हो रही है. हमारे किसान भाइयों को भी बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए. अगर हम टूरिज्म की बात करें तो मनाली में टूरिज्म काफ़ी बढ़ गया है. बाहर के लोग हमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, तो अच्छा माहौल यहाँ पे दिख रहा है. टूरिस्ट हम देख सकते हैं कि मनाली में आकर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी को. इससे फायदा ये है कि इससे स्नोफॉल के कारण हमारे जो व्यापारी लोग हैं यहाँ के लोकल्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट्स हो रहा है. आप देख सकते हैं टूरिस्ट के आने से उन्हें भी काफ़ी फायदा हो रहा है, जो उनके लिए एक अच्छी बात है.